Hi guys, welcome back to Rinke's Angelican. We are doing weekly videos for the week starting from 23rd to 29th of January. As usual, ये हफ्ते हम दो टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करेंगे. देखते हैं टैरो और एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. आई होप आपने लास्ट वीक का वीडियो भी चेक किया है. ऑल्सो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कम सब्सक्राइब. आई एम ट्राइंग टू पोस्ट वीडियोज एवरी वीक फॉर यू गाइज. एरीज, टू टैरो कार्ड्स एंड वन एंजल मैसेज. एरीज, देखते हैं ये हफ्ते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. एरीज, द फर्स्ट कार्ड दैट यू सी हियर इज टॉकिंग अबाउट इमोशनल इम्बैलेंस. कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस चल रहा हुआ है. देयर कुड बी अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज दैट कुड कम अप योर वे दिस वीक एरीज. मैं बताऊंगी, थोड़ा सा पार्टनरशिप, अगर आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई भी चीज है जहां आपको पार्टनरशिप इन्वॉल्व होती है, ये हफ्ते बी वेरी वेरी केयरफुल. डोंट रियली ब्लाइंड ट्रस्ट योर पार्टनर. डबल चेक एवरीथिंग. हर एक चीज को बहुत ही गहराई से चेक करना है, क्योंकि देयर इज अ वेरी स्ट्रांग इंडिकेशन ऑफ बैकस्टैबिंग. ऑल्सो ये कार्ड ये बोल रहा है, देयर कुड बी अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स. यू नो, पैसे की तरक्की दिख सकती है, पैसे में इम्प्रूवमेंट दिख सकती है. जिसका अगर कोई ब्लॉक्ड मनी है, वो ब्लॉक्ड मनी आने के भी चांसेस है. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना फोकस है ना, अपना पुराना पैसा निकालने में कीजिए. फॉलोअप्स करना हो, किसी को रिमाइंडर्स देना हो. एरीज, इट्स अ ग्रेट वीक. यू वॉन्ट टू वर्क ऑन गेटिंग योर मनी सॉर्टेड. ऑल्सो साइमल्टेनियसली अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हो ये वीक एरीज, जहां आपको कोई छोटा या मोटा जैसा इन्वेस्टमेंट करना हो, कहीं ना कहीं छोटे से अमाउंट की FD भी स्टार्ट कर लोगे या RD स्टार्ट कर लोगे, वो आप समझ रहे हो कि अभी बहुत छोटा लग रहा होगा आपको, पर आपके लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा फायदा देगी. सो एरीज, आई फील दिस वीक फॉर यू इज ऑल अबाउट फोकसिंग on your money, finding a track, finding and understanding your money better. At the same time, लोगों से थोड़ा सा संभाल कर चलना है, बचकर रहना है. पार्टनरशिप में तो स्पेशली बहुत ज्यादा ध्यान देना है. एंजल मैसेज जो आया हुआ है एरीज आपके लिए, वो है फॉलो योर ड्रीम्स. इट्स टाइम यू चेज योर ड्रीम्स. इट्स टाइम यू फॉलो योर ड्रीम्स. हर एक छोटी सी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसको ना समझो. बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी वेरी क्लियर. व्हेन यू आर क्लियर, यू विल बी एबल टू फॉलो. एंड वंस यू फॉलो दैट, यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प यू अचीव एंड कॉन्कर योर ड्रीम्स. सो एरीज, दिस इज व्हाट वी हैव फॉर यू फॉर द वीक. आई होप दिस हेल्प्स, ब्रिंग्स यू मोर लाइट एंड गाइडेंस फॉर द वीक. प्लीज कॉमेंट डाउन योर थॉट्स बिलो, हाउ इट रिलेट्स, हाउ इट हेल्प्स. आई वुड ऑलवेज ऑलवेज बी वेरी हैप्पी टू रीड योर कॉमेंट्स. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. गुड बाय. Hi Taurus, welcome back to Angelican. We are doing weekly videos for the week starting from 23rd to 29th. टॉरस, देखते हैं ये हफ्ते यूनिवर्स और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. मैं आप लोगों के लिए दो टैरो कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ और एक एंजल मैसेज. देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं ये हफ्ते के लिए. टॉरस, बहुत क्लियरली एनर्जीज बहुत डाउन लग रही है. टॉरस, ऐसे लग रहा है बहुत, मतलब कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, मन ही नहीं बन पा रहा है. आपकी एनर्जीज बहुत ड्रेन लग रही है. इंसान कैसे बंदा थक जाता है, बिल्कुल शरीर में कोई ताकत नहीं हो, साइमल्टेनियसली पूरा दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स मंडरा रहे हो. लिटरली आपकी वो हाल है, लिटरली आपकी एनर्जी वो बता रही है. थोड़ा सा मैं बताऊंगी, अपने आप को विक्टिम मोड से हटाना है. आप ना अपने आप को बहुत विक्टिम बना रहे हो, यार ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा. आपने ना अपने ऊपर बहुत बर्डन डाल के रखा हुआ है, बहुत बैगेज डाल के रखा हुआ है. टॉरस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स टाइम टू गेट अप. क्लेंज योर सेल्फ. प्लीज अपने आप को क्लेंज करो. अब आप बोलोगे कि क्लेंज कैसे करना है, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा सा पाठ पूजा कर लो घर में. रोज शाम को विदाउट फेल प्लीज एक कैंडल या दिया जलाओ भगवान के आगे. दैट इज गोइंग टू हेल्प योर एनर्जी, simultaneously your home's energy, and at the end it's going to bring a change here, because this is what we want to see. Taurus, जो आपका मतलब बिल्कुल कहते हैं ना, शरीर में ताकत नहीं है, इच्छा नहीं है कुछ करने की, you need to get rid of that energies. Because of that energies, you're also feeling very aggressive. मतलब Taurus ये हफ्ते ना बहुत गुस्सा दिख रहा है, बहुत anxiety दिख रही हुई है. Simultaneously मैं ये बताऊंगी, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो आप फेयरली लोगे. सो देर इज नो हार्म इन दैट, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, देर इज डेफिनेटली नो कॉम्प्लिकेशन इन दैट. सो मेक श्योर यू आर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ कामनेस, विद अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड. गुस्से में कोई भी डिसीजन प्लीज मत लीजिए. फाइनेंशियल फ्लो, एंजल्स आपको अच्छा मैसेज दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं कि यार ये हफ्ते थोड़ा पैसे पे फोकस करो, करियर पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, तब जाके तो आप चेंज देख पाओगे. आप एक जगह पर बैठे हुए हो, आपका लेजी एटीट्यूड है, अप्रोच है, साइम
simultaneously, Taurus, you know, this energy really, really needs to get off. That is how you will be able to focus on betterment of your money. So I hope, Taurus, this helps bring more light and guidance into whatever you're doing this week. Have a great week ahead. Also, please subscribe to the channel if you haven't already. Bye-bye. Hi, Gemini. Gemini, I'm pulling out two tarot cards for you and one angel message. Gemini, देखते हैं ये हफ्ते tarot और angels आपको क्या guidance दे रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं. I hope आप लोगों ने last week का video भी check करा हुआ है channel पे, जहां पर मैं weekly guidance दे रही हूँ. Please, अगर आपने अब तक channel को subscribe नहीं किया है, come subscribe. I am trying to post weekly videos every week for you guys. Let's see what's in store for you this week. ओके जेमिनी, ये जो कार्ड आया हुआ है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी वेयर वी सी थिंग्स वर्किंग आउट इन योर फेवर. जेमिनी, बहुत क्लियरली आपकी जो लव लाइफ है, आपका जो रिलेशनशिप है, इस हफ्ते बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है. यू नो, द पर्सन, द पार्टनर इज रियली केयरिंग फॉर यू, इज रियली लुकिंग आउट फॉर यू, इज रियली बींग सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग यू ब्यूटिफुली. मुझे ऐसा लग रहा है आपका, आपके पार्टनर है जो भी, वो आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी सपोर्ट करें. सो इफ देर इज एनी डिसीजन दैट योर partners helping you take in terms of your professional life, please listen to that guidance, because that guidance is going to make a change. That guidance is definitely going to make a difference, and you want to work on that lines, you want to work on that aspect for sure. So basically, ye hafta aapka jo love life hai bahut acha dikh raha hai. Agar aap single ho Gemini, ye hafte na mujhe aise lag raha hai someone is really going to come into your life and, you know, talk to you and give you that companion vibe that you're looking forward to. Simultaneously, Gemini, agar aap single ho and there is someone that you really, really like and adore, it is a great week to share your feelings with the person, and the outcome looks really possible this week. Gemini, ye jo second card hai, ye aapke professional life ko leke hai. Aapki jo dreams hai, aapki jo aspirations hai, bahut high hai. You know, I just want you to know कि थोड़ा सा ना प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करो. ये वीक थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ. आपके जो भी सिचुएशंस और सॉल्यूशंस होते हैं, कई बारी इम्प्रैक्टिकल हो सकते हैं ये हफ्ते. You need to like really work on practicality. At the same time, Gemini, ये कार्ड थोड़ा सा हमें patience भी बता रहा है कि patience रखो. हर चीज घाई घाई में नहीं करनी है, हर चीज अभी का भी नहीं हो सकती है. So these are little things that you want to keep in mind this week. Also, angels are telling you, be honest with yourself. Feel what you're feeling. Don't cover yourself up. Don't run away from your thoughts. Because what you're doing maybe right now is running away from your thoughts. And Gemini, it's not the right thing. It's not the right time to do it. Jab aap apne aap se honest rahoge, jab aap acceptance pe aoge, oh my God, you are going to be at amazing level of peace. And that is what you really, really need at this point. So I hope, Gemini, this helps brings more light and clarity into whatever you're doing at this point. And yes, have a great, great week ahead. Thank you. Stay connected. Bye-bye.